हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं आमटी। इसमें हमने ये दाल जो परमपुरी के लिए दाल चुराते हैं उससे ये पानी निकला है, और उस पर थोड़े से हमने ये पिसी हुई दाल डाल दिए हैं। इसी को हम फ्राई करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हम फ्राई करने के लिए छोटे छोटे दो प्याज लिए हैं, एक छोटी सी एक ये, चार हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, अदरक, टमाटर। अब हम पहले प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को पीस लेते हैं, फिर टमाटर, हरा धनिया को ले लेंगे। हम आमटी कम ही बना रहे हैं, चार लोगों के लिए, इसलिए सारा सामान कम ही है। आप जितने जिस टाइप से भी जितना बना रहे हो उस हिसाब से आप सारे मसाले ले लीजिए। आइए हम इसे पीसते हैं। आमटी फ्राई करने के लिए हमने लिए हैं तेज पान, क्या तैयार करें, दालचीनी और इलायची, लौंग, ये फूल चक्र वाला फूल रहता है उसका, कुछ मसाले हैं, कुछ मसाले इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। एक चम्मच लाल मिर्च लिए, एक चम्मच धनिया लिए, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इस पर कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिए हैं, अब इस पर सब डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, मसाले ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च का जो मसाला हमने पीसा है उसको डालेंगे। सब फ्राई हो गया है, तो इस पर हम ये जो पिसे हुए मसाले इनको डालेंगे, एक साथ डाल दीजिए। अब इस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। मसाले अच्छे से फ्राई होगा ना, दो मिनट लगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। अब इसमें हम किसी टमाटर थोड़ा धनिया का पत्ती वो डालते हैं। हम जो भी सब्जियाँ लेते हैं सब धुल के अच्छे से साफ कर लेते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, बस धुल लेते हैं पहले ही। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को पकने देते हैं। अब इस पर हम नमक मिलाएंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप खाते हैं उसको। कभी मैं आधे चम्मच करीब डाला है। नमक डालने से एक ये भी होता है कि जो भी सब्जियां हैं वो जल्दी से पक जाती है। देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं, तेल छोड़ने लगे हैं,
ऊपर ऊपर तेल आ गया है, मतलब मसाले पूरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। पानी डालेंगे, अब इसे हम ये पानी डालेंगे। देखिए इस पे ऊपर से ज़्यादा पानी नहीं डालिए, जो दाल पे निकलता है वही पानी डालते हैं। हल्का सा मैंने दाल डब्बे में थोड़ी सी दाल लगी हुई थी तो मैंने हल्का सा पानी डाल के डाली हूँ, बाकी ऊपर का पानी ज़्यादा नहीं डालते हैं। अब बस ये हो गया है, इस पे थोड़ा सा एक दो बार उबाला है, बस हमारी आमठी तैयार है। देखिए तो दाल में आ गया है उबाल, तो ये हमारी आमठी तैयार है। गैस ऑफ कर दीजिए, कर देंगे। देखिए ये हमारी आमठी बन गई।